ये मैंने बादल शेड के लिए इसलिए रखा था कि भाई कहीं बर्फ होती है इसलिए रखा था, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारा ठेकेदार वो शीतल शर्मा जो है वो जियार है, वो ठेकेदारी भी करता है, लेकिन उसको हमने इतने ताल ले के भाई तू काम इसको अच्छी तरीके से कर, उसने अपने मन मर्जी से वो उसने बनाया, ना इसमें पानी डाला ना इसमें मसाला लगाया, हमने बहुत उसको ताले किए लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। ये देखो ये हालत इस शर्ट की, सीमेंट के बदले उसने रेता लगाया, एक दफा मैंने उस पर दीवार भी उखाड़वाई थी, इसने ऐसे मिट्टी में लगाई थी ये दीवार, गाँव वाले भी बाकी मेरे साथ बहुत से दोस्त हैं, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। अपने मर्जी से बोल दो, उसने और दीवार लगानी थी, टाइलें लगानी थी, पलस्तर करना था, उसने बिल्कुल वैसे का वैसे छोड़ा है, गेट लगाना था गेट भी ला के रखा है, इधर लगाया नहीं उसने, ये देखो टाइलों की हालत, हमने टाइलें लगाई इधर, ये देखो टाइल है, ये देखो इसका लेंटर, तो लगाने का फोड़ फोड़ दी है। आप कह रहे हैं कि जब यहाँ काम चल रहा था तो मैं यहाँ बार बार आया था, जब मैं आया था मेरे साथ बहुत से लोग थे, गांव आया था, गांव वाले आए थे, लेकिन उसने अपनी मनमर्जी से काम किया। मैंने जेई को फोन किया था, जेई ने कहा था कि ये दीवार उखाड़ के दोबारा दिलवाई थी मैंने इससे, लेकिन बाद में इसने वो अपनी मर्जी से ये ठेका दिया था एक गुजर को, पता नहीं 50 से 60 हजार में ये चढ़वाया उसने ठेका देकर, 3 लाख रुपया इसके लिए मैंने रखवाया था डिपार्टमेंट से, लेकिन 60 हजार में ये ठेका दिया था एक गुजर को, उसने ये काम किया है, नहीं हुई इसका कुछ नहीं हुआ था, हम बिजनेस में ठोकेंगे, दूसरा ठेकेदारी करता है, लेकिन यह हालत है उसकी ठेकेदारी की, वो अगर मुलाजिम है वो काम कैसे ठेकेदारी कैसे करता है, वो करता है तो जहाँ भी कहीं ठेकेदारी कर सकता है, बला का काम होता है किसको, ये काम शीतल को, ये हालत है उसके काम की, ये देखो इनकी इसकी देखो ये ताले लगाई है, ये देखो इसकी ताले जो लगाई है बिल्कुल मिट्टी पे डाली है इसने, ताले बज रही है इसमें देवार, उसने बोला था नहीं जी मैं देवार लगाऊंगा इसमें, बारिश आती है सब पानी इसके अंदर चला जाता है, क्या फायदा है शेड का बनाने का। ये लेंटर थोड़ा है, ये थोड़ा सा डाला इन्होंने मटेरियल, इतना लेंटर थोड़ा होता है, है? दो इंच दो ढाई इंच डाला है इसमें, इसमें भी खड़ा रहता है, खड़ा रहता है इतने ना कुछ, ये देखो इसकी हालत सारी बजरी नंगी हो, ये बजरी इतना चाहता हूँ कि अगर उसने बिल दिया बनाया कैसे बनाया उसने, तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अगर बिल निकलते हैं बिल बनते हैं वो कैसे घर बैठते बनाते हैं बिल, मौके पे मतलब आके देखे ना साइड पे आके कि काम कैसा है, किस हिसाब से बिल बनाया, किस हिसाब से बिल दिया गया उसको। धन्यवाद सरपंच जी। शेड के बारे में हम यही कहना चाहते हैं जनाब कि इसका काम टोटली जीरो हुआ है, क्योंकि जो भी क्वालिटी का कोई मटेरियल नहीं लगा है, रहता ही रहता है, और जो टाइल जो नीचे फ्लोर में लगाई है ये लगता है मुझे सिर्फ मिट्टी पे लगाई है, इनको देखो ये सारी हिल रही है, और साथ में ही हमारे वाइस सरपंच अभी थे जिन्होंने आपको इंटरव्यू दिया, उन्होंने उनको बड़ी बार बोला भी, और गाँव वाले भी एक बार चल के आए इनके पास, और उस टाइम उसने कहा कि आपका काम प्रॉपर होगा, पीछे जो दीवार है ये भी लगेगी, लेंटर का भी पूरा प्लास्टर होगा, लेंटर में भी प्लास्टर नहीं लगा, ऊपर भी कैमरा लगा उधर, और साथ में ये शर्ट इस काम के लिए हमने बनाया था, जब भी कोई मरता है दसमा देना बनाते हैं तो इसी शर्ट के अंदर, कभी बारिश होती है बर्फबारी सर्दी का मौसम होता है उसके लिए बनाया था, लेकिन आज आप खुद देख रहे हो, लेकिन चलो ये तो ऊपर वाले की अच्छी नीयत है, आज मौसम अच्छा है,
अगर मौसम ख़राब होता तो हम कहाँ बैठते हैं, और ऊपर से यहाँ बैठेंगे भी मौसम ख़राब की हालत में, तो अगर बर्फबारी ज़्यादा होगी तो ये मुझे लगता है ये लेंटर गिर जाएगा और पिलर भी, और साथ में देखो पिलर के बाहर कम से कम 2 फुट लेंटर होना चाहिए, 2 फुट लेंटर होना चाहिए, ये भी नहीं है मजबूती, लेंटर बाहर होगा तभी पिलर भी खड़े रहेंगे ना, बारिश में कैसे रहेंगे, आप खुद देख रहे हो और हमारे सरपंच साहब ने बताया। बाकी ये देखो बाहर जो जितने भी लोग हैं बेचारे, ये सब बाहर इसलिए बैठे हैं कि सबका यही कहना है कि काम ख़राब हुआ वहाँ बैठोगे तो ऊपर से छत ना गिर जाए। बस धन्यवाद पवन जी, हम इतना ही कहना चाहेंगे, और आप ये वीडियो साहब भी देखना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचना चाहिए ताकि इस काम के ऊपर इंक्वायरी बैठे और इस काम को दोबारा से करें या अच्छे से करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, और इस काम के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमारी वीडियो वहाँ पहुँचे, और साथ ही साथ अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी की उनका भी शुक्र अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ।